नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियोलॉजी में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी साथी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 17,000 नई भर्ती दोस्तों, इसका सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो अब हम दिखाते हैं क्या न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, ये दिया हुआ है आर्टिकल यूपी उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की विधानसभा चुनावों से पहले सूबे के युवाओं को बड़ी राहत दी। सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद की 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। पर दिया हुआ राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के मुताबिक 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, 17,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। तो इसकी सूची 29 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी। तो दोस्तों, 29 दिसंबर तक इसकी सूची तैयार कर ली जाएगी। तो सतीश द्विवेदी के मुताबिक 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा और 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि 17,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद की 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए थे। तो दोस्तों, जो 17,000 पद थे वो 59,000 जो भर्ती हुई थी उसमें छूटे हुए थे। तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने नई भर्ती का आदेश जारी किया है। तो दोस्तों, क्या आदेश है ये हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये आदेश जारी हुआ है कि जारी आदेश में कहा गया है कि 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है। डॉक्टर द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फॉलो उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची 28 दिसंबर तक तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण 29 दिसंबर तक, वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन भी 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा। सूची प्रकाशित होने के बाद जिले स्तर पर नए साल पर 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित और न्यायसंगत समाधान के लिए निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल था। तो आप सभी के लिए 17,000 पदों की नई भर्ती आने वाली है दोस्तों। तो आप तैयार हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन को और तैयार कर लें। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।